तक का भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और समाजवादी पार्टी के गुंडों अपराधियों को खुद कब्जा करने वालों को मदद करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं चुनाव आयोग से पुनः मांग करता हूं कि आप बाकी के 5 चरणों के लिए वर्तमान डीजीपी को, वर्तमान मुख्य सचिव को अविलंब हटाया जाना चाहिए और हटाए बगैर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के मार्ग में अड़चन आ रही है, इसलिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं। तीसरी बात, मैं स्पष्ट एक और ये कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जो इतना जबरदस्त वातावरण, इस बीच भी कई बड़ी आपराधिक घटनाएं हुई जिसमें समाजवादी पार्टी के विधायक के विरुद्ध एक ऐसी महिला की लड़ाई वह उत्तर प्रदेश की जनता से छिपी नहीं है और उस महिला की हत्या हो जाती है और हत्या के बावजूद भी हत्या के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई करने की जगह उनको छुट्टा छोड़ने का काम किया जा रहा है।